मुझे बहन मानता है या मेहमान मानता है? यार तुम मेहमान वाली बहन हो, बहन कंफ्यूज हो गया। सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। चैनल मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है नवरात्रि का फोर्थ डे और मैं आई हूँ किसी के घर। ऐसे तो मैं आने वाली नहीं थी क्योंकि मैं नवरात्रि में 9 दिन फास्टिंग रहती हूँ, लेकिन मजबूरी भी नहीं कहूँगी, एक प्यार है जो मुझे खींच के लाया है। किसके घर, चलिए मिला देती हूँ। आ जा भाई। हेलो, ये है साहिल और इसको मैं प्यार से कभी कभी छोटू बुलाती हूँ, पता नहीं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हमारा जो भाई बहन का बॉन्ड है, पता है कहाँ बनी थी, कहाँ पे भाई? जिम में बनी थी। ये ट्रेडमिल कर रही थी, मैं क्रॉस ट्रेनर कर रहा था। हाँ, सो पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने मेरे को अपने फोन में फोटोज दिखाने शुरू किए कि भाई एक बार बता दे, मतलब अननोन पर्सन को जैसे जज करते हैं वैसे दिखाने शुरू किए। मैंने कहा अच्छी लग रही है, तो मेरे को लगा फोटो शूट करा। मुझे उस दिन इंस्टा पे कुछ पोस्ट करना था और मैं कंफ्यूज हो रही थी, और ये मतलब ये ना पता हो गया। और लॉकडाउन में ना मैं वेट लॉस की और ये मुझे लगता है और लंबा हो गया था, तो लंबा था। अब ये बच्चे इतने जल्दी लंबे क्यों हो जाते हैं? तो मैंने बोला एक बात बताओ, हेलो ये कौन सा अच्छा लग रहा है बताना जरा। कि बच्चा था और तब ना साहिल के बाल ऐसे, ऐसे 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 बाल इसके आगे आ रहे थे। मैंने बोला अरे बड़ा क्यूट सा बच्चा, मैंने पूछ लिया। अच्छा उसके बाद भी ये जिम में ना ट्रेनर का भी नहीं सुनता था, ये किसी का नहीं सुनता था, लेकिन उसके बाद में जैसे जाके जिम में हाय हेलो और मैं इसको कुछ बोल दूँ ना, तो ये हमेशा उस बात का रेस्पेक्ट किया था, लेकिन शुरू से मेरा बात माना है। देखो भाई, दिल से इंट्यूशन आती है कि मतलब ये बंदा जेन्युइन है या बंदी जेन्युइन है, इसकी सुनो तरक्की होगी। ये इंट्यूशन तरक्की होगी तो तू मुझे अच्छे से गिफ्ट देगा, ठीक है? और नहीं तो क्या, फोन में दिला दूंगा। कंजूस है, बहुत कंजूस है। माना बनिया हूँ, ठीक है। लेकिन खर्च करने में कुछ नहीं होता, बनियों की बात होती है, अपने ऊपर खर्च करने में कुछ नहीं। तो तू क्या पूछ रहा था मुझे कल शाम को फोन करके? बहन पहले तो मैं बता दूं कि मैं आई क्यों। एक तो मैं लॉकडाउन से पहले इससे मिली थी और उसके बाद ये मेरे वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया है जहाँ पे मैं आज आई हुई हूँ। अब फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, तंग होके क्योंकि इसने मुझे इतना बोला कि बहन क्या यार, बहन मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली ये अपने फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, इसके लिए ये जा रहा है दिल्ली और पता नहीं कब आएगा। शिफ्ट हुआ था। अच्छा मेरे से तो तंग हो ही नहीं सकता, उल्टा करता है बोलता। अच्छा आपको बता दूँ, अगर आप लोग इसको पहचान पा रहे हो तो कुल्फी कुमार बाजे वाला जो बहुत ही हिट शो था स्टार प्लस का, उसमें भी इसने अच्छा खासा किया हुआ है काम। शुक्रिया, कैमरा ठीक से पकड़िए। शुक्रिया के चक्कर में मेरा फोन ऐसे ना हो जाए, क्योंकि ये लंबा हाथ दुख रहा था, तो ये लंबा चौड़ा है तो मैं खरीदा का जो मेरा भी दुख गया। बताओ ये ऐसे होते हैं ब्लॉगर, मतलब मैं इतने बड़े बड़े वीडियो शूट कर लेती हूँ और क्या करें। एक तो ना ये खिड़की के लाइट से आ रहे तो एकदम फेस ऐसे चमक रहा है, कोई ना हद से ज़्यादा गोरे दिख रहे होंगे। तो फाइनली मैं इस रीजन से आई हूँ इससे मिलने के लिए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। और हाँ, ये मुझसे पूछ रहा था कि बहन क्या लेकर आओ। मैंने बोला तू पूछ रहा है तो कुछ लेकर आएगा भी तू कहता है क्या है, क्या ये बात पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अभी तूने बोला मैं बनिया हूँ। आई एम बनिया, अच्छे नागरिक बनिए। कंजूस भी है, बहुत कंजूस है। मैंने बोला भाई तूने पूछ लिया, मुझे मिल गया तो कुछ मत ला मेरे लिए। लाऊंगा डांडिया लाऊंगा, सबसे बेस्ट है। ढोल बाजे, ढोल बाजे। और उसी डांडिया से तेरे सर पे मारूंगी मैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क जोन हो जाएगा। मतलब ये क्या चाहता है कि हम दोनों ना फ्यूचर में कभी साथ सीरियल में काम करें। और नहीं तो क्या, मैं खुश हो जाऊंगी साथ काम करके, लेकिन मैं लिख के देती हूँ। दुखी भी होगी, प्रोडक्शन वाला परेशान हो जाएगा। मुझे ढूंढते तो चेंज होने के बाद ये लड़का मेरे रूम के अलावा निकलेगा नहीं। ये सुनो ना मधुदी करके ये परेशान कर देता है मुझे। भाई दिल से जिसको मानते हो तुम उससे दूर नहीं जाते। ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता, ये पता है ऐसे बोलेगा। और बहन कैसी हो? और जिसका जब भी इसका और आता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि बस ये ना मैं टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास कर रहा है, ये बोर हो रहा है, इसको और कोई नहीं। मैं लिखती हूँ साहिल चल टाइम पास मत कर रहा। अरे यार बहन सुनो ना और बताओ। अरे और क्या बताओ, ये और क्या बताओ का मतलब होता है कि कुछ नया ताजा बताओ। वीडियो बहुत बकवास कर देगा, छोड़ मैं पकड़ तुम्हारे बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। देखो लड़की इतनी टैलेंटेड है, इतनी देर तक कैमरा पकड़ लेती है। मल्टीटास्किंग गर्ल हर किसी को नहीं मिलती, देखो हर किसी की किस्मत नहीं होती, मेरी किस्मत भी नहीं है। नहीं ये गलत बात है, तुम करना नहीं चाह रहे हो बाबा और कुछ नहीं।
अच्छा और एक बात बताओ, जिम में जैसे साहिल को कुछ बात मनवानी होती थी या कुछ पूछना होता था तो लिटरली मेरा वेट कर रहा होता था कभी कभी, और मैं कैसे जवाब देती थी उसके पीछे एक रीज़न था कि जवाब मैं देती थी, कोई रीज़न नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता था, मैं बोलती थी साहिल एक थप्पड़ मार लो फिर बोलूँगी, एक थप्पड़ मार लो ज़्यादा कुछ ऐसे लगा देती थी मैं। भाई देखो, इंसान जिससे बहुत ज्यादा प्यार और कंफर्टेबल होता है ना उसी से करता है ऐसा। भाई ये चाटे वाला प्रैंक ना मेरे साथ तो रोज होता है घर पे भी, मतलब मेरे माता पिता ना, मतलब तो ठीक है ना माता पिता करते हैं, मुझे बहन बोलता है मैं मार देती हूं बात। अब सुनो, जिंदगी में तीन जनों से मैं क्लोज हूँ, ये और मम्मी पापा दो, ठीक है, और किसी से मैं कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है, हक जहाँ पे होता है ना वही जमाता हूँ। तो होता क्या है, मैं गाड़ी में बहुत ज्यादा जमा लेता है वैसे, बहुत ज्यादा जायदाद पे हिस्सा यार। सो होता क्या है, और नहीं तो क्या, हाँ इसकी जायदाद पे मेरा हिस्सा होगा ना। बनिया हूँ, पाई पाई का हिसाब रखता हूँ, भाई खाते रखता हूँ। तो तेरे साथ जब मैं डील करूंगी बनिया की बहन बन के डील करूंगी ना, और नहीं तो क्या, तो फिर घंटा मिलेगा तुझे। ओके चलो हमारी बातें देखो, आप समझ गए होंगे कि हम कैसे हैं, तो हमारी बातें खत्म नहीं, खम कह रही हूँ फिर फंबल मार दिया, हमारी बातें खत्म नहीं होगी तो हम आगे मिलते हैं, ठीक है, बाय। फिलहाल के लिए वीडियो एंड नहीं है। साहिल के घर के मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग भी देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मंदिर छोटा हो या बड़ा हो जिंदगी में इससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं है। अभी मैं आ चुकी हूँ साहिल के घर के किचन में और ये है सागर। सागर सागर से हाय, बहुत ही क्यूट है ये, तब से एक टेडी बियर लेके बैठा था, मैं बोली कि ऐसा लग रहा है एक टेडी बियर दूसरे टेडी बियर को लेके बैठा है, बहुत क्यूट है। और ये देखो ये अपने लिए खाने की तैयारी कर रहा है, और मैंने बोला कि मैं कर देती हूँ तो कहता है नहीं बहन पाप लगेगा, तुम व्रत में हो रहने दो, इतनी इज्जत कोई ना कभी कभी ले लेनी चाहिए। और मैं खा रही हूँ एप्पल क्योंकि मैं फास्टिंग में हूँ, तो इसको एक बात का अफसोस है कि तुम मेरे घर में आके कुछ भी नहीं खा रही हो। सही में बहुत बुरा लगता है यार, एक जनरल बात बताओ, आप लोग बताओ, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए वो भी पहली बार, तो तुम्हें पानी तक ना पिए, एक मिनट पानी तक ना पिए, मुझे बहन मानता है या मेहमान मानता है यार, तुम मेहमान वाली बहन हो, बहन कंफ्यूज हो गया, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, बस बस कुछ भी एक डायलॉग चेक पे चला गया। तो मैं फास्टिंग में हूँ और मैं अगर मतलब पता नहीं कोई रीजन नहीं है, अगर मैं शूटिंग पे भी जाती हूँ ना व्रत के टाइम पे, आप बिलीव नहीं करोगे मैं चाय भी घर से बना के लेकर जाती हूँ, मुझे ना मतलब ये 9 दिन नवरात्र का 9 दिन मुझे बाहर का कुछ भी नहीं खाने का मन करता है, कुछ भी नहीं, मुझे पता है सब साफ सफाई है सब कुछ है लेकिन नहीं मन करता। मैं अपने हाथों से बना के दे रहा हूँ बेटा, तभी डाउट है मुझे, मैं पानी का बॉटल भी लेकर आई हूँ, मुझे पानी मिल जाता है लेकिन मैंने बोला ना कि मुझे कुछ भी नहीं खाना होता है, तो पता नहीं है थोड़ा सा, कोई ना तेरे लिए प्यार तो है कि भाई मैं आ गई व्रत में भी, सोच ये तो देख, अंदर से दुख होता है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई। तो अभी मैं खा लेती हूँ एप्पल क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैं दिन भर फ्रूट पे ही रहती हूँ। ये लड़का देखो कितना मेहनती है, क्या बना रहा है खुद के लिए, ये पूरे दिन वैसे हमारा बनाता है। आप लोगों को बता रही थी ना कि देख के पता नहीं चलेगा कि टेडी बियर कौन है, जैसा मुझे लग रहा था अभी देखा। सागर अब बताओ दोनों में से टेडी बियर कौन है। मैं जब से आई हूँ ना ये अपने रूम पे आके ऐसे ही बैठ जाता है, और इधर दूसरे जनाब तो खाने में बिजी है, कहता है बहन लालच आ रही है, लालच आ रही है, भाई नहीं आ रही है, मैं फास्टिंग में हूँ तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इन्हें मेरे साथ कभी दिल्ली भेजो तब जाके ना पता चलेगा असली स्वाद क्या होता है, और ये लोग ये चीज आप भी एग्री करते होगे, दिल्ली का खाना सबसे बेस्ट है, जो भी दिल्ली की ऑडियंस होगी वो सबसे ज्यादा एग्री करेगी करेगी। मैं दिल्ली गई हुई हूँ आई थिंक 2007 या 8 की है बात, क्लासिकल डांस परफॉर्म करने के लिए न्यू दिल्ली गई हुई हूँ। देखो भैया दिल्ली घूमना दिल्ली वालों के साथ घूमना, क्योंकि उन्हें एक एक चीज का पता रहता है। इसके साथ मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बहुत खर्च करा देगा, बहुत बनिया हूँ, अपने पैसे बचाता हूँ दूसरों के नहीं। देखे क्योंकि अगर मैं शॉपिंग में जाके इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल दूँ तो क्या लिखेगा, मतलब इसके कमेंट्स आ ही जाएंगे मुझे, बहन गलत बात है, अकेले 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 मतलब क्या भाई, तुम्हें लेके चले कि मैंने बोला हाँ सही में बहुत गलती होगी साहिल, तुझे साथ में ले जाना चाहिए था,
तू पे कर देता। अरे नहीं नहीं बहन चलो ठीक है भाई बिजी हूँ बाद में करता हूँ, वैसे कट लेता है। नहीं ऐसा कभी नहीं कटा मैं। चलो इसको खाना खा लेने देते हैं, ये झूठ बोल रहा है। और इसके बाद हम दोनों थोड़ा गप्पे भी मार लेते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें हो रही है, फिर जो आपस की मस्ती है आप लोगों को दिखाते रहेंगे।